दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे। आज की सबसे पहली खबर, 6 दिनों में बिहार में पड़ेगी प्रचंड गर्मी, रात और दिन के तापमान का अंतर होगा कम, 5 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम पारा। जी हां, अगले 6 दिनों में बिहार में प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है। पूर्वानुमान के मुताबिक अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़त हो सकती है। मौजूदा समय में राज्य का अधिकतम तापमान 31 डिग्री है, जल्द ही इसके 36 डिग्री के पार होने का अनुमान है। मौसम शुष्क रहने और आसमान के साफ होने से गर्मी का प्रभाव काफी अधिक दिखाई पड़ेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने गर्मी के प्रभाव को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे राज्य में पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाई सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक प्रभावी है। इसके प्रभाव से मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा, इससे आसमान भी पूरी तरह से साफ रहेगा, जिससे गर्मी का प्रभाव काफी अधिक देखने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर, नए वित्तीय वर्ष में बनेंगे 3000 पंचायत सरकारी भवन, गांवों में भी शहर जैसी मिलेगी सुविधा। जहां विधानसभा में पंचायती राज मंत्री सम्राट कहा कि नए वित्तीय वर्ष में राज्य में 3000 नए पंचायत सरकार भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए विधायक समेत अन्य सभी जन प्रतिनिधियों का पत्र लिखकर जमीन सूचीबद्ध कराने के लिए कहा गया है। वर्तमान में राज्य में 3200 पंचायत सरकार भवन तैयार हो रहे हैं। सभी भवन में 1 अतिरिक्त कार्यपालक सहायकों की तैनाती की जाएगी। मंत्री सम्राट चौधरी सोमवार को सदन में चालू वित्तीय वर्ष के तृतीय अनुपूरक बजट में परिचर्चा के बाद जवाब दे रहे थे। अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड होली से पहले इंटर का रिजल्ट कर सकता है जारी, सीबीएसई की अभी परीक्षा भी होना है बाकी। जहां बिहार बोर्ड की ओर से इंटर की कॉपियों की जांच के लिए निर्धारित अवधि मंगलवार को समाप्त हो गई, लेकिन अभी भी कॉपियों की जांच जारी है। मूल्यांकन केंद्र प्रभारियों का कहना है कि अधिकांश केंद्रों पर 80% कॉपियों की जांच का काम पूरा हो गया है, 1-2 दिनों में शेष कॉपियों की जांच का काम पूरा हो जाएगा। साथ ही बोर्ड रिजल्ट की तैयारी में जुट गया है, उम्मीद है कि होली के पहले भी रिजल्ट हो सकता है। 18 मार्च को होली मनाई जाएगी। मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपियों की जांच के साथ ही अंक चढ़ाने का काम भी किया जा रहा है, उसके बाद रिजल्ट का प्रोसेस किया जाएगा। पूरे देश की नज़र बिहार बोर्ड के रिजल्ट पर लगी है कि बोर्ड कब रिजल्ट जारी कर सकता है। बड़ी खबर, फिर स्थगित हुई बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा। जहां बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एक बार फिर से स्थगित कर दी है। अब बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 7 मई 2022 को होगा, जबकि पहले यह परीक्षा 30 अप्रैल को होनी थी। दरअसल जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा भी 30 अप्रैल को होनी है, इसके लिए परीक्षा केंद्र को लेकर परेशानी हो रही थी। एक ही दिन 2 बड़ी परीक्षाओं की वजह से 67वीं पीटी की तिथि में बदलाव कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि बीपीएससी 67वीं परीक्षा में लगभग 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या करीब 1.82 लाख है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी और जेडीयू ने एमएलसी उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट, पटना से वाल्मीकि सिंह और मुजफ्फरपुर से दिनेश प्रसाद सिंह ही ठोकेंगे दावेदारी। जी हां, कल एनडीए की ओर से एमएलसी चुनाव के लिए 23 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया गया। बिहार में विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होना है, इनमें एनडीए के बंटवारे में बीजेपी के पास 13 तो वहीं जेडीयू के पास में 11 सीटें हैं। मंगलवार को बीजेपी और जेडीयू दोनों की ओर से सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई। दोनों पार्टियों ने कई पुराने चेहरे पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने औरंगाबाद और पूर्वी चंपारण से अंतिम समय से उम्मीदवार बदल दिए, वहीं गोपालगंज से भी भाजपा के नए चेहरे पर भरोसा जताया है। जानकारी के लिए बता दें कि बेगूसराय से रजनीश कुमार, रोहतास एवं कैमूर से संतोष कुमार सिंह, दरभंगा से सुनील चौधरी, पूर्वी चंपारण से बबलू गुप्ता, औरंगाबाद में दिलीप सिंह, समस्तीपुर में तरुण कुमार, किशनगंज में डॉक्टर दिलीप जायसवाल, कटिहार में अशोक अग्रवाल सर सिंह, गोपालगंज में आदित्य नारायण पांडे, सारण से सचिनंद राय और सिवान से मनोज सिंह शामिल है। बड़ी खबर, पटना में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें, दाम बढ़ने के डर से टंकी फुल कराने के लिए मची होड़, 24 घंटे में पेट्रोल डीजल की बिक्री में 15-20% की बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि की आशंका को देखते हुए पटना में अचानक बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई। पेट्रोल पंपों पर सुबह से गाड़ियों की लंबी कतार लगने लगी, इसमें सबसे ज्यादा भीड़ बाइक में पेट्रोल डलवाने वालों की है। लोगों के मन में यह डर सता रहा है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद तेल की कीमतों में अचानक से बढ़ोतरी होगी। आपको देखिए, पटना में फिलहाल पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 91.09 रुपए प्रति लीटर है। तेल कंपनियों के माने तो पिछले 24 घंटे में तेल की बिक्री में 15-20% का उछाल आया है।
बड़ी खबर, जनरल रेल टिकट के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर लगा ATBM, यात्री खुद स्मार्ट कार्ड से बुक करा सकेंगे टिकट। जी, मुजफ्फरपुर जंक्शन पर अब यात्री खुद से टिकट काट सकेंगे। यात्रियों को अब टिकट काउंटर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल मुजफ्फरपुर जंक्शन पर स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन शुरू हो गई है। इससे यात्री खुद स्मार्ट कार्ड व ऑनलाइन पेमेंट ऐप से राशि भुगतान कर अनारक्षित टिकट कटा सकते हैं। इसको लेकर सोनपुर रेल मंडल की ओर से जंक्शन परिषद स्थित अनारक्षित टिकट बुकिंग काउंटर के पास टच स्क्रीन के 4 ATBM लगाए गए हैं। अगली बड़ी खबर, ड्रोन और हेलीकॉप्टर के बाद अब मोटर बोट के जरिए शराब पर नकेल कसने की है तैयारी। सरकार ने कंपनियों से मांगा है प्रस्ताव। जब बिहार में सरकार शराब को लेकर काफी सख्त है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के बाद अब सरकार शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए अब मोटर बोट का भी इस्तेमाल करेगी। माननीय सेहत विभाग ने इसको लेकर योजना बनाई है। इसके लिए कंपनियों से प्रस्ताव मांगा गया है। शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार 3 साल के लिए नदियों में मोटर बोट से निगरानी कराएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में जल्दी 5 साल से कम उम्र के बच्चे का बनवा सकेंगे ब्लू आधार कार्ड। जी हां, आधार कार्ड की अहमियता पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है। अब तो स्कूल में दाखिले के दौरान बच्चों का भी आधार कार्ड मांगा जा रहा है। ऐसे में बच्चों का भी आधार कार्ड बनवाना जरूरी हो गया है। पटना डिवीजन के वरीय अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जल्दी बच्चों के आधार कार्ड का रंग बदला हुआ मिलेगा। कोई भी अभिभावक अपने 5 साल से कम आयु के बच्चों का ब्लू आधार कार्ड बनवा सकते हैं। वैसे तो यह अन्य आधार कार्ड की तरह ही रहता है, लेकिन इसका रंग ब्लू कर दिया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि कोई भी अभिभावक प्रमाणित डॉक्यूमेंट देकर अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। बड़ी खबर, बिहार के कृषि कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं पर सरकार मेहरबान, मंत्री ने की बड़ी घोषणा। जी हां, बिहार के कृषि कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की अब खूब बल्ले बल्ले रहेगी। सरकार कृषि कॉलेजों में पढ़ रहे कृषि स्नातक के सभी छात्रों को स्टाइपेंड देगी। इसके साथ ही स्नातकोत्तर के छात्रों का स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा। खेती किसानों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए नए कॉलेज भी खुलेंगे। राज्य के सभी 54 कृषि बाजार समिति के प्रांगण को आधुनिक कृषि बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा। कृषि मंत्री अमरेंद्र कुमार सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में यह घोषणा की है। बड़ी खबर, बिहार में होली के पहले सरसों तेल व रिफाइन के दाम बढ़े, अरहर दाल की कीमतों में भी उछाल। जी, खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। होली की आहट के साथ ही बिहार में खाद्य तेल के साथ मसालों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 15 दिनों में सरसों तेल व रिफाइन की कीमत में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी प्रकार 15 दिनों में हर तरह के मसालों की कीमतों में 20 रुपये प्रति किलो तक बढ़े हैं। इसी प्रकार इस अवधि में अरहर दाल की कीमतों में उछाल आई है। लगातार बढ़ते खाद्य सामानों की कीमत में आम लोगों की रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। बड़ी खबर, बिहार के तर्ज पर राजस्थान में भी लागू हो सकता है शराबबंदी कानून। 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने की नीतीश से मुलाकात। जी, बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी के सफल क्रियान्वयन के अध्ययन के लिए राजस्थान के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश कुमार से मंगलवार को यहां एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में राजस्थान के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी के सफल क्रियान्वयन के अध्ययन को लेकर मुलाकात की। अगली बड़ी खबर, बिहार में सैटेलाइट तस्वीर से होगी खनन और पराली जलाने की निगरानी। बनाए जाएंगे 11 हाई एंड वर्क स्टेशन। बिहार में रिमोट सेंसिंग तकनीक और सैटेलाइट तस्वीर के माध्यम से अवैध खनन और पराली जलाने को नजर रखी जाएगी। तारामंडल के ऊपरी तल्ले पर स्थित बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर को ऑपरेट कर यहाँ 11 हाई एंड वर्क स्टेशन बनाया जा रहा है, जहां अद्यतन उपकरणों के माध्यम से सैटेलाइट का सहारा लेकर हर समय जरूरी जियो इन्फॉर्मेशन जुटाई जा सकेगी। यहां कुशल वैज्ञानिकों की टीम शोध कर केंद्र राज्य सरकार के कई विभागों और अन्य संस्थानों को उनकी जरूरत के अनुसार आंकड़े उपलब्ध कराएगी। इस केंद्र द्वारा संबंधित विभाग यह जान सकेगा कि किन इलाकों में अवैध खनन किया जा रहा है। ताप और उष्णता के आकलन के जरिए पराली जलाने वाले इलाकों पर भी नजर रखी जाएगी। साथ ही राज्य में हरित क्षेत्रों की स्थिति, नदियों, कुपो और जलाशयों की स्थिति और परिवहन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जियो इन्फॉर्मेटिक आंकड़े आसानी से जुटाई जा सकेंगे। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के डर से बदला शराबबंदी कानून। नीतीश सरकार ने आनन फानन में कानून में किया संशोधन। जी, नीतीश सरकार ने आनन फानन में अपने शराबबंदी कानून में संशोधन कर दिया है। कल कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। सरकार अब इस संशोधन को विधानसभा विधान परिषद में ले जाएगी और उसे पास कराएगी। सरकार ने यह संशोधन ठीक उसी दिन किया है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा था। माना जा रहा है कि कानून में संशोधन
संशोधन कर सरकार सुप्रीम कोर्ट में फजीहत से बचना चाह रही है। हालांकि सरकार की ओर से संशोधन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही सरकारी सूत्रों ने बताया कि शराबबंदी कानून को और सख्त किया जा रहा है। खबर सीएचओ की 4050 वैकेंसी के लिए 20 मार्च तक होगा आवेदन, उम्र और कट ऑफ डेट भी बदला गया। जी हां, राज्य में स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने सामुदायिक स्वास्थ्य ऑफिसर के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कुल 4050 पदों को भरा जाएगा। बहाली के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति ने आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। बता दें 20 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, जहां पहले अंतिम तिथि 3 मार्च तक ही थी। साथ ही आपको बता दें कि बीएसएससी नर्सिंग जेएनएम कोर्स के इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र कटअप डेट भी बदला गया है। साथ ही राज्य स्वास्थ्य समिति ने इस पद के लिए उम्र कटअप डेट तथा शैक्षणिक योग्यता कटअप डेट भी बदल दिया है। उम्र और शैक्षणिक योग्यता की गणना अब 1 फरवरी 2022 से की जाएगी, पहले यह 1 जनवरी 2022 से थी। आज के लिए आपका सवाल बताया कि बिहार में खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल के पीछे क्या कारण है, इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।